बड़ा 12th क्लास के बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है। आप सब जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर में जब 12th क्लास के एग्जाम होने थे तो उससे पहले CUET की जो एंट्रेंस डेट है उसके फॉर्म जो है वो फिल करने की डेट रख दी गई और बच्चों को कुछ पता नहीं चला। फिर हमने प्रोटेस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके माध्यम से आवाज उठाई तो एंट्रेंस की डेट जो है वो दो बार एक्सटेंड हुई। बच्चों के एग्जाम होते हैं 12th क्लास के, उसके बाद 12th क्लास के एग्जाम होने के बाद वो बर्बाद हुए। अब बच्चों को 12th क्लास के जो पेपर हुए उसके जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के ऊपर इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर में, मैं अगर कश्मीर की बात करूं तो कश्मीर में रिजल्ट आने के बाद एक मां का मैंने देखा कि 90% मार्क्स लेने वाले बच्चों के, चार चार सब्जेक्ट में 90% मार्क्स आने वाले बच्चों को एक एक सब्जेक्ट बिल्कुल टोटल फेल कर दिया गया है। तो उन बच्चों की डिमांड थी कि जिस तरह कश्मीर में एनवायरमेंटमेंट की गई है, रीडिक्लेयर किया गया है, इस तरह जम्मू में भी किया जाए। लेकिन जम्मू में रीडिक्लेयर रिजल्ट जो है वो नहीं किया गया, अमेंडमेंट नहीं की गई। तो इसको लेकर मैं कहना चाहता हूं रीवैल्यूएशन का फॉर्म जो है उसकी डेट आज से स्टार्ट है, 19 तारीख से, 9 जुलाई तक, अगस्त तक डेट, जुलाई तक डेट रखी जाएगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है 300 फीस होती थी, 300 पर सब्जेक्ट की फीस होती थी, जो कि आज 455 रुपए कर दी गई और 255 रुपए जो है वो रख दिए गए हैं कि आपको अगर इसकी फोटोकॉपी लेनी है आंसर शीट की। तो मैं कहना चाहता हूं LG साहब, कम से कम इतना बच्चों पे जो लोड पड़ा है पैसों का, कम से कम रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो टोटल माफ कर दी जाए ताकि बच्चों पे लोड ना हो और गरीब बच्चे पढ़ सके। ताकि सरकार, मैं LG साहब को कहना चाहता हूं कि आपके नाक के तले कहीं साजिश ना रची गई हो कि गरीब बच्चों को पढ़ने ही ना दिया जाए, इतना लोड, इतना बोझ उन पे डाल दिया जाए कि वो बच्चे जो है वो फेल होकर अपने अपने कामों में लग जाए और बच्चे आगे पढ़ ना सके। यही हमारी डिमांड है कि रीवैल्यूएशन की जो फीस है वो माफ की जाए और CUET के जो एक्स्ट्रा फीस है जो ली गई है इनसे वो वापस कर दी जाए।